वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कुछ चीजों से, कुछ प्रोडक्ट से जो स्किन से रिलेटेड हैं, आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं आगे। आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल मैंने स्टार्ट किया था कि कुछ लोग जो मुझसे पूछते हैं या मेरे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेरे लिए क्या कॉमेंट्स लिखते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले तो मैं एक दो कॉमेंट्स पढ़ लेती हूँ। शिवोहम रावत जिसने लिखा है, अयांश भंडारी और छोटा बेबी बहुत क्यूट, तो थैंक यू सो मच शिवोहम। एंड शिवोहम के बाद मैं पढ़ूंगी मैसेज नेगी जेकेएस ब्लॉग्स जिन्होंने लिखा है, खाने के बाद आराम हो रहा है, नाइस शेयरिंग। तो हाँ, खाने के बाद तो आई थिंक सभी लोग थोड़ा बहुत वॉक करते होंगे फिर आराम करते होंगे। तो थैंक यू सो मच नेगी जी मेरी वीडियोस को देखने के लिए, और ऐसे ही कॉमेंट्स करते रहिए। एंड हाँ, काफी लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं। जैसा मैं आप लोगों से बोलती रहती हूँ कि आप स्किन से रिलेटेड या कोई भी चीज आपको कुछ पूछना होता है तो मुझसे पूछिए, मैं भी थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आऊंगी। तो आज का जो क्वेश्चन है, आशु आशा जी ने पूछा है, अंशिका जी ने पूछा है, अंशिका रावत ने, तो उन लोगों के बेसिकली क्वेश्चन उन्होंने पहले भी पूछा था ये तो कि फेस से रिलेटेड। और उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आपका जो फेस के पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो एज के साथ है, ग्रोइंग एज के साथ मतलब, या मौसम के साथ चेंज हो रहा है, कैसे मतलब हो रहा है ये सब चीजें। तो जो ये फेस पिंपल्स एक्ने होती हैं, उन्होंने तो लिखा था कि उनका ग्रोइंग एज के साथ हो रहा है। सो ग्रोइंग एज के साथ मैं बहुत सिंपल चीजें बता सकती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको बहुत मतलब ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो आपको उसे सलाह लेनी पड़ेगी, वही क्रीम्स वगैरह देंगे या जो भी वो बोलेंगे आपको। तो फर्स्ट हमें ये जानना जरूरी है कि ये चीजें होती क्यों है। पहले तो देखिए, अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेस या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या कभी कभार होता है ना कि आजकल इतना डस्ट वगैरह होता है कि आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है, तो डर्ट की वजह से भी होने के चांसेस होते हैं। हमारा खाना प्रॉपर नहीं होता है, हम लोग टाइमली चीजें नहीं लेते हैं जो लेनी होती है, स्किन का केयर नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं, डाइट, हमारा खाने का रूटीन, हमारी स्किन रूटीन, ये सब कुछ बहुत मायने रखती है। तो ये जो तीन चार पॉइंट्स होते हैं ना, इस वजह से हमें बहुत फर्क पड़ता है अपनी स्किन में। मुझे भी हुआ था, तो मेरा हार्मोन्स की वजह से था, मेरे फेस में बहुत एक्ने हो गए थे, बहुत मुश्किल से हटे हैं। हालांकि मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली थी उसकी, वो अपने आप ही चले गए थे, बट मैं आपको बहुत नॉर्मल चीजें बताऊंगी। तो अगर आप अपने डे को स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर वो सिंपल है तो आप ये करके देखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग यूज करते हैं सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन मेरे पास दो टाइप की है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक लैक्मे की है और एक न्यूट्रीजिना की है। सो ये दोनों ही बहुत अच्छी है, दोनों ही ऑयल कंट्रोल है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे तो ऑयल कंट्रोल चाहिए। बाकी आप लोग कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, लोटस की यूज कर सकते हैं, VLCC की यूज कर सकते हैं, मार्केट में काफी सारी चीजें। बट हाँ, सनस्क्रीन लेते टाइम जरूर ध्यान दीजिए उसका SPF। इसमें जैसे SPF है 24 और इसमें 50+। सो मेरे को सबसे अच्छा मतलब ये लगता है, लैक्मे वाला लगता है, क्योंकि मेरे लिए मुझे ऐसा फील होता है कि 24 SPF इज बेटर देन 50 SPF। इसे मैं बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि ज्यादा SPF यूज करना आपकी स्किन के लिए वैसे तो अच्छा होता है, बट कभी कभार स्किन में डार्कनेस भी लाने लग जाता है कुछ कुछ जगह पे। तो बेसिकली मैं लैक्मे का यूज करती हूँ। एंड सेकेंड चीज जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको CTM करना बहुत जरूरी है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो CTM में जो टोनर लोगों ने पूछा था कि आप टोनर कौन सा यूज करते हो, तो मैं टोनर एरोमा मैजिक का यूज करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। हालांकि ये मैंने कुछ टाइम पहले ही यूज करना शुरू किया, पर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक और चीज, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप खरीद लीजिए जाकर, अगर आपको नीड लगती है तभी खरीदिए, वरना कोई जरूरत नहीं है खरीदने की। आप लोग गुलाब जल से भी यूज कर सकते हैं एज अ टोनर, आप गुलाब जल यूज कर सकते हैं अगर आपको टोनर नहीं लेना है तो। वैसे तो देखा जाए तो गुलाब जल की अपनी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो लाइक आप स्किन में किसी फेस पैक को बनाना चाहते हैं तो आप गुलाब जल यूज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले फेस को क्लीन करने के बाद आप गुलाब जल को थोड़ा थोड़ा डैप कीजिए अपने फेस में, वो एब्जॉर्ब होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। देन कोई क्रीम लगाना मत भूलिएगा, लेकिन आप सिर्फ गुलाब जल के भरोसे नहीं रह सकते हैं। सो गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। तो ये डाबर का है आई थिंक, तो ये आप यूज कर सकते हैं, रोज वाटर।
तो मेरे पास फेस पैक है। फेस पैक के बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि फेस पैक लगाना भी फेस में बहुत जरूरी होता है। एक्स्ट्रा ऑयल को बहुत जरूरी है कि कंज्यूम करे कोई चीज, वरना हमारे जो डेली रूटीन में हम लोग ये चीजें नहीं कर पाते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि आप ये चीजें भी यूज करें। तो मेरे पास जस्ट हर्ब्स का इंसेक्ट ग्लो का फेस पैक है, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते, मैंने खरीद लिया था, मुझे एक बार यूज करके देखना था, एंड इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इंसेक्ट ग्लो सही में आता है। जब मुझे कभी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, मैं इसे यूज करती हूँ। वरना आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे आप लोग मुल्तानी मिट्टी, आप बेसन का लेप लगा सकते हैं, तो बेसन में थोड़ा सा शहद, दूध या गुलाब जल यूज करके आप फेस पैक बना सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो चीजें है ना, ये आपकी रूटीन में यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डेली करना है, बट सीटीएम आपको डेली करना है, मेरा मतलब ये है। बट फेस पैक वगैरह हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो आपको लगाना चाहिए। थोड़ा सा आपकी स्किन को बहुत जरूरी है पैम्पर करना, क्योंकि हम लोग ना यही गलती करते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि मेरा पिंपल हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। क्योंकि मैं भी ये गलतियां कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप लोग ना बहुत ध्यान दीजिए स्किन को लेकर, क्योंकि आजकल के टाइम में तो टैनिंग बहुत ज्यादा होती है। ऊपर से आप लोग क्रीम्स वगैरह, हम इतनी चीजें यूज कर रहे हैं, सब में केमिकल है। अगर आप छोटे मोटे घर के नुस्खे नहीं अपनाएंगे जो पहले होते थे, लाइक हम लोग क्रीम्स लगाने की जगह, हम लोग घर में बहुत चीजें होती थी जो लगाते थे, दूध दही वगैरह टाइप्स, तो उनसे एक नेचुरल मॉइस्चराइजर मिलता था। बट अब वो चीजें नहीं है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि आप बैठ के लेप बनाएं या लगाएं। तो बहुत इजी टेक्निक्स भी आ गई हैं मार्केट में, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत फ्री टाइम है अपने लिए, लाइक अपनी केयर के लिए, तो आप ये चीजें भी कर सकते हैं कि खुद ही लेप बनाइए, खुद ही चीजें कीजिए, लाइक दही लगाना है या फिर स्क्रबिंग करनी है। एंड लास्ट चीज मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी, जिनको पिंपल्स हैं उनको स्क्रबिंग वाला जो पार्ट है वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अपने फेस में स्क्रब करेंगे तो आपके पिंपल्स के लिए अच्छा नहीं होता है। सो आई थिंक आप लोगों को इससे काफी चीजें पता चली होंगी। मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके साथ आगे शेयर करती रहूंगी। तो गाइज, ये सारी चीजें जो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन हमेशा नीचे होता है वीडियो की, आप जरूर देखिए जाके, लिंक से वहां जाइए। नाइका का आपको मैं दूंगी, कुछ कुछ चीजें मैं अमेजोन से, वैसे मैं बेसिकली जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो नाइका से मंगवाती हूँ, तो आप लोग भी वहां से परचेज कर सकते हैं। एंड लास्ट जो मैं एक चीज और भी बोलना चाहती हूँ कि काफी लोगों ने मुझसे पूछा था, जो वो जो लिपस्टिक्स मैंने दिखाई थी जो रहने ब्यूटी वाली थी, उसका प्राइस क्या है। तो प्राइस मैंने जब लिया था कुछ और था, अब कुछ और है, तो प्राइस चेंज होता रहता है। कभी कभार डिस्काउंट होता है, सेल चल रही होती है, तो आप लोग जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ ना, वहां जाके चेक कीजिए, आपको प्राइस भी दिख जाएगा, आपको इजीली पता चल जाएगा कि कोई डिस्काउंट है या नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। बाय।